सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे अपने यूट्यूब फैमिली। सो आज का व्लॉग व्लॉग नहीं, सॉरी वीडियो। व्लॉग तो अपन डेली वो करते हैं ना वो। सो आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है कुछ ऐसी लोकेशन से। मेरे पीछे खड़ी हुई है डेविल। और आज की वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि आज जो है हम बात करने वाले अपने डेविल के बारे में, यानी कि इसमें आ चुका है अच्छा खासा खर्चा। और अगर इससे नहीं कराया गया खर्चा तो होने वाला है बहुत बड़ा खर्चा। तो आइए जानते हैं हम खर्चे के बारे में। ओके, सो ये है भाई डेविल। और देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, टकाटक चल रही है, बढ़िया चल रही है। बट आज मैं बता दूं कि खुली चेन रखने के क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि लुक जो है थोड़ी अच्छी आ जाती है। यहाँ पर एक पल्सर का मडगार्ड फिट हो जाता है ऊपर की साइड, चेन प्रोटेक्टर छोटा सा वो फिट हो जाता है। और हाँ मतलब ठीक ठाक ही रहता है, वो लुक अच्छी आ जाती है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये डस्ट लगी हुई है ना, जब इसे हम उतारते हैं तो ये सारी डस्ट है ना इस चेन पर लगती है। तो कहीं ना कहीं हमारी चेन जो है इससे इसकी लाइफ कम हो रही है। उसके बाद चेन पॉकेट भी जो है लाइफ कम हो रही है। एंड ये तो हो गया हमारा पहला खर्चा, यानी कि चेन और इसका चक्का तो दोनों ही बदलाने हैं। बट पैसा आने के बाद, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो कहाँ पर है मेरे भाई। सो यहाँ पर नीचे की साइड, यहाँ नीचे की साइड एक नट निकल रहा है। वो नट भी जो है मुझे डलवाना है, प्लस इसकी क्लच प्लेटें भी मेरे को जो है डलवानी है। नहीं नहीं, इस ईयर के एंडिंग तक जो है मैं मनाली की जो है ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। और हो सके भगवान का साथ रहे तो हम जो है मनाली की ट्रिप को जो है अच्छे से इंजॉय करें। एंड बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद इसमें टायर्स तो है अपने पास, बट आगे का टायर डलवाना है, ऑफ रोडिंग टायर हम डलवाएंगे इसमें। एंड उसके बाद तो और कुछ भी नहीं है, सर्विसिंग रहेगी। बट खास तो मैंने इस चेन के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि देखो यार लुक तो काफ़ी गजब की आ रही है, ठीक है। मेरी वीडियोज़ में आपने देखा होगा। और देखो ढीली बहुत ज़्यादा हो चुकी है ये मैं सोच रहा हूँ इसको एक टूरिंग बाइक बनाई चाहिए। और ये वाले हटाकर मैं हीरो स्प्लेंडर के लगा दूंगा, ताकि यहाँ पर प्रोटेक्शन रहे इसको भी, और हमारा लगेज भी जो है सही ढंग से वो आ जाए फिट। एक्स्ट्रा फॉग लैंप, फॉग लाइट जिसे हम बोलते हैं, वो आएंगे। उसके बाद बाकी तो सही है। इसकी बैटरी चेक करवानी है मेरे को, सब कुछ टनाटन है। एंड और तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब बढ़िया ही है। ये पेंट आपको दिख रहा होगा, ये पेंट सारे रिमूव कर दूंगा मैं, और स्टॉक बनाएंगे पूरी गाड़ी को। इसके बाद इसमें टूरिंग किट जो है अपन इंस्टॉल करेंगे। अगर हमारे पास थोड़े ज़्यादा पैसे हुए तो यहाँ पर हम ऑयल कूलिंग रेडिएटर जो है वो लगा देंगे, जिससे कि ऑयल कूलिंग ठंडा होने में थोड़ी सी मतलब मदद मिल जाए। और तो कुछ भी नहीं है, उसका फ़ायदा बस यही है। एंड उसके बाद इसको भी अपन चेंज करके नया वाला लगवाएंगे। एंड वो थोड़ा मैं कस्टम बनवाने वाला हूँ अपने हिसाब से, ताकि जो है लुक थोड़ी बढ़िया आए। एंड ये मडगार्ड का कलर आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर था स्टॉक इसमें, तो इसको भी जो है अपन रिमूव कर देंगे। एंड स्टॉक वाला कलर रख लेंगे, तो ब्लैक वाला मैं निकालने वाला हूँ बहुत जल्दी इसमें से। बट ये निकलेगा कैसे मुझे खुद को नहीं पता, देखेंगे कई वीडियोज़ वगैरह हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी टोटल जो है वो सामान वगैरह सारा मैं चेंज करने वाला हूँ, और इसे एक टूरिंग बाइक बनाएंगे। एंड टूरिंग भी जल्दी करेंगे अपन, आप लोग सपोर्ट करते रहो तो टूरिंग भी अपन बहुत जल्दी करेंगे। तो पहले सामान को काउंट वगैरह करते हैं कि क्या क्या मेरे को लगवाना है क्या नहीं लगवाना है। सो सबसे पहले ये टेल लाइट यहाँ फूट रखी है ये पूरी पूरी, तो इसे रिमूव करेंगे एंड नई वाली लगवाएंगे। और ये तो भाई टूटा हुआ, तो ये तो पूरा पैनल ही नया लगेगा, तो इसको अभी रहने देते हैं, फिर कभी देखेंगे। तो ये एक टेल लाइट हो गई। उसके बाद चेन कवर मेरे पास रखा हुआ है, तो चेन कवर में लगा लूँगा। हालांकि मैंने ये लुक के लिए निकाल दिया था, बट यार नुकसान है इसमें चेन कवर निकालने से, तो चेन कवर अपन फिर से लगवाएंगे। उसके बाद चेन चक्का, जैसे इस पॉकेट वगैरह, चेन पॉकेट ये वाली वगैरह चेंज करवाएंगे। उसके बाद इसकी क्लच प्लेटें डलेगी, सर्विस तो सर्विस में क्या है। इसके बाद जो है इस वाले को तो शायद ही मैं इसको मॉडिफाई करूँगा, तो इसको थोड़ा सा अंदर की साइड करके फिर निकालेंगे इसको, तो थोड़ा लुक में अच्छा आएगा। और फॉग लाइट वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो उसमें थोड़ा जम जाएगा ये। तो ये हो गया डन, ऊपर का सारा काम हो गया। उसके बाद
इसके आगे का मडघाट का कलर अपन रेड ही कर देंगे वापस से, नहीं निकलेगा तो मैं रेड पेंट कर दूंगा वापस से इसमें। एंड ओवरऑल सारा तो हो गया, सीट कवर एंड यहाँ खेत। तो आज खेत के बीच में अपन शूट करने के लिए आए हैं, और इस गाड़ी के लिए ताकि शोर शराबा ना हो और प्रॉपर तरीके से शूट हो जाए। और भाई गेहूँ वगैरह खेत में बैठे हुए हैं, तो यार बहुत सारा खर्चा आने वाला है। उसके बाद जो है मेरे मेरे परिवार फैमिली बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, क्योंकि देखो फैमिली बैकअप है नहीं, और सारा ही जो चल रहा है वो वर्तमान में ही चल रहा है। एंड फ्यूचर की कुछ भी सोच नहीं रखी है, और कुछ भी सोच कर कुछ भी नहीं रखा है। तो आई होप समझ गए होगे आप। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड अब तो लोगों जानते होंगे, जिसके साथ मैंने रामदेवरा की राइड की थी, उसका भी कुछ यही हाल है। बाकी अपन मेहनत करेंगे, फल ज़रूर मिलेगा। ओके, तो आप लोग सपोर्ट दिखाना, एंड जल्दी से जल्दी हमारे, अभी नहीं बताने वाला अगला अब मेरा टारगेट क्या होगा, सो वो बताएंगे आपको 1000 के बाद। बेसिकली बता ही देता हूँ उसमें क्या है, क्योंकि अभी भी आपको सुनना है और बाद में भी आपको सुनना ही है। तो मैं जल्द से जल्द, अगर आप 10,000 कंप्लीट करवा देते हो, तो 10,000 से मेरे को याद आया कि मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था कल एक शॉर्ट्स अपलोड किया था मैंने, तो उसमें मैंने बोला था कि भाई अगर मेरे 27 तारीख से पहले पहले 27 मार्च, ठीक है, 27 मार्च से पहले पहले 10,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गए, तो मैं गोप्रो हीरो बाई कर लूँगा 9 या फिर 10। तो मैंने ऐसा बोला था, और कहीं ना कहीं वो मुझ पर ही भारी पड़ने वाला था, क्योंकि मेरे पास इतनी इनकम पैसा वगैरह है नहीं कि मैं गोप्रो हीरो बाई कर लूँगा 50-60 हज़ार का। तो मैंने वो वीडियो को प्राइवेट कर दिया है, नाराज़ मत होना गाइस, ठीक है, क्योंकि जोश जोश में कि भाई क्या पता हो जाए। अलग लो भाई तो ले आए, एंड ठीक है, फिर वीडियो को देर ख़त्म करते हैं, एंड मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक लिए बाबा गुड बाय, और सपोर्ट वगैरह दिखा दो यार खतरनाक वाला।